इसलिए जो है सूचना आयुक्त आ रहे हैं, उनकी मेरी जगह किसी और को भेज दीजिए। नहीं, मगर चुके आप बताओ, जो सूचना आयोग है, जो पूरे अधिकारी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करता है, जब उसका ये हाल है, आम आदमी का क्या होगा? आप बताओ, है ना? उन्हें कितनी इज्जत देते होंगे, कितने लोगों से मिलते होंगे, कितना काम करते होंगे, तो खुद आप ही वाकिफ है। और आप जो कह रहे हैं कि खाली 25,000 कहते रहे, 25,000 दे दो, मैं कह रहा हूँ ये प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा भी जो है अधिकारी ज्यादा करते हैं। अरे क्या है 25,000 देते, 25,000 नहीं, उनकी पर्सनल फाइल में लिख दिया जाता है कि ये आदमी काम के लायक नहीं है, इसलिए आयोग ने इसके ऊपर 25,000 रुपए लगाया, ये इस लायक नहीं है कि इस पद पर काम कर सके, तभी तो डर लगता है। अच्छा, विभागीय कार्रवाई होती, वो भी पर्सनल फाइल में लिख दी जाती है। अभी तक जो आयोग ने अभी तक 2.25 लाख के आसपास ऐसे प्रार्थना पत्र है जिन पर सूचना दिला के उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तकरीबन जो है 32,000 के आसपास जो है एप्लीकेशन जो है अभी पेंडिंग है, जिन पर काम चल रहा है। हर दिन जो है 16,000 से 17,000 एप्लीकेशंस नहीं आती है, उन्हें भी हम डिसाइड करते हैं, और पुराने जो हैं उन्हें भी डिसाइड करते हैं। सुबह 10 बजे हम लोग चले जाते हैं और शाम के 5:30 बजे तक ऑफिस में रहकर काम करते हैं। बीच में जो है लंच के लिए जिस तरीके से कुछ लोग आ जाते हैं, ऐसे भी हम लोग नहीं आते, रेगुलर काम करते हैं। तो मैं समझता हूं इससे बहुत लोगों को न्याय मिल रहा है। एक कोई ऐसी दृष्टांत बताएं जन सूचना अधिकार से संबंधित, जिसमें किसी बड़े मामले में किसी का एक मामला उछला हो, उसको सजा अभी हो। अभी एक नहीं, हज़ारों हैं ऐसे तो केस। अभी मैं परसों का एक केस बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जो है जो खेल विभाग है उसकी एक एप्लीकेशन आई, और उसमें कहा गया कि जो BBD है, जो बैडमिंटन एकेडमी है, एक प्राइवेट संस्था है, उसे पैसा जो है उसे दिया है खेल विभाग ने, और ज़मीन दी है LDA ने, सरकार की ज़मीन, और उसमें कुछ लोग जो है प्राइवेट लोगों ने कमेटी बनाकर वहाँ जो है शादी का काम कर रहे हैं, शादी से पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने उस पर इंक्वायरी कराई, अधिकारी को बुलाया, वो नहीं आए, उन पर 20,000 का दंड लगाया, उन पर विभागीय कार्रवाई की, उन इंक्वायरी कराई चीफ सेक्रेटरी से, प्रमुख सचिव से, और उसके बाद में अब जो है उन्हें बुलाया गया है नोटिस इशू करते हुए, और SP से कहा गया है, SSP लखनऊ से, कि 19(7) के तहत उन्हें जो है आयोग में पेश करें। तो रोज़ कार्रवाई होती है, तो हज़ारों हज़ारों रोज़ कार्रवाई होती है। वेबसाइट पर आप देखेंगे आयोग की, तो सब में